गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी कल रात को हम ये जो आप देख रहे हो ना पीछे की तरफ, ये क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, हट बोलते हैं क्या? हाँ, तो इसके अंदर हम स्टे किए हुए थे। यहाँ पे हमने अपना मैट लगाया था, उसके ऊपर स्लीपिंग बैग ओढ़ के सो गए थे। और भाई अभी कुछ सामान वगैरह निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है भाई? ठंड से बचने के लिए। क्या कह रहा है? ठंड तो बहुत कड़ाके वाली पड़ने लग गई यहाँ पे है। हाँ, ये मास्क, ये देखना, ये अच्छा मास्क है। देख, ये तो है, देखना भाई, यही तो है तेरा मास्क यार, भूल जाता फिर तू, ये तेरा मास्क है। तो भाई रात को ना नींद तो ठीक ठाक सी आई थी, बस ये जो खिड़की है ना थोड़ी सी खुली रह गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड लगी। बट कोई बात नहीं, रात में आराम से सो गए। अभी सुबह से उठे तो चाय पानी पी लिया है। तो आपको मैं जो यहाँ पे भाई लोग हैं ना, उनसे आप थोड़ा बहुत मिलवा देता हूँ मैं, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत हेल्प किया रात में ना। हम सोए हुए थे यहाँ पे, सोए हुए को यहीं पे खाना लाके दे दिया। सुबह उठते हैं बोले चाय पियो, खाना रोटी रोटी खा के फिर निकलना, तो उनसे मिलवाता हूँ। अंकल जी मस्त हैं। यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है, साइकिल में सामान है ना, हमने जितना हमें कुछ चाहिए दो तीन दिन के लिए उतना ही लिया है। दोनों देखो खाली खाली दिख रही होगी, मेरी तो बहुत ज़्यादा खाली है, बाकी सामान सारा यहीं पे छोड़ दिया। इधर में इनका खाना वगैरह बनता है और ये भाई साहब खाना बनाते हैं। अंकल जी क्या हेल्प करिए, अंकल जी रात को खाना हमें बेड तक ला के दिया। क्या नाम अंकल जी अपना? वासुदेव मंडल। धन्यवाद, शुक्रिया जी। और ये सब भाई लोग भी यहीं पर काम करते हैं। और ये मैट साहब, क्या नाम सर अपना? मंडल जी। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमें स्टे करने के लिए जगह दी, शुक्रिया। बाकी सब भाइयों को जय श्री राम। भाइयों काम पे जा रहे हो अभी? ड्यूटी का टाइम हो गया निकलने। भाई कमाल है, आप इतनी ठंड में काम करवाते हो। हम तो 10-12 दिन के लिए घूमने आते हैं ना, फिर भी घर जाके सोचते हैं कितनी ठंड में जाके आए हैं, और आप काम कर रहे हो, कमाल है। निकले भाई, चलो भाई, आज जो अपना मेन जो सफ़र है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं हम उमनिंगला पास के लिए। तो उससे पहले अपने को फोर्टिला पास क्रॉस करना पड़ेगा, टफ है काफ़ी, सामान कम कर लिया है, बट करेंगे भाई आप सबके साथ से। निकलते हैं भोले का नाम लेके, साइकिल आज हल्की चलेगी, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। सो गाइज, निकल चुके हैं आज के अपने सफ़र पे बहुमूल्य लद्दाख के हाईएस्ट पॉइंट के लिए, जो कि है उमनिंगला। बट उससे पहले आएगा फोर्टिला, जो कि आज अपना टारगेट है। तो जय भोले, जय शंकर। मम्मी ध्यान रखना, आज की अपनी राइड सेफ कराना। लगभग 55 से 60 किलोमीटर की राइड है, जिसमें हमें हाइट याट गेन करनी है, लगभग 3000 फीट गेन करना है ना भाई? तो टफ तो रहेगा, बट करेंगे, होएगा, बाबा जी का नाम लिया सब कुछ होएगा। यहाँ से भाई 40 ले 54 किलोमीटर है, 40 ला पास कितना आइडिया नहीं है। ये तो पहली चढ़ाई है, देख लो आगे की चढ़ाई क्या मिलेगी, पता नहीं पाते आपको, दिखाएंगे बताएंगे नहीं है। ओ थक गए 1 किलोमीटर में। भाई आज का मौसम इतना ज़्यादा साफ है ना, देखो आपको दूर दूर तक ना बादल नहीं दिखेगा, कहीं भी देख लो। बस ये मौसम 3 दिन तक रहे, क्योंकि अगर ख़राब हुआ ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। ठंड एक्चुअल में जो यहाँ पे अभी है ना, सुबह के टाइम पानी में बर्फ़ जम जाती है, इसलिए मौसम हमें ऐसा ही चाहिए भाई। अगर ख़राब हुआ करेंगे तो तब भी उमनिंगला तो करना ही है, बट हमारी वाट लग जाएगी, इसलिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं ऐसा ही रहे मौसम। और उधर में कहीं चढ़ना है भाई, ये रास्ता इन पहाड़ों के नज़दीक लेके आ गया, ऊपर कहीं जाना होगा, पता नहीं कितनी तगड़ी चढ़ाई पाएगी भाई। लोगों ने डरा रखा है मैं आज कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, देखते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 2 किलोमीटर आ चुके हैं अभी तक। हाँ, तो भाई अभी तक 4 से 4.5 किलोमीटर कवर किया है, और अभी तक भी है ना चढ़ाई चल रही थी। मेन चढ़ाई जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये देखो पीछे ना पहाड़ पे चढ़ना है, इस वाले पे पूरे पे, और 3 पहाड़ लगातार चढ़ने पड़ेंगे। अब जो चढ़ाई स्टार्ट हुई है ना वो मेन चढ़ाई है, मतलब पहले तो हम सीधे प्लेन में थोड़े थोड़े अप जा रहे थे, अब एक्चुअल में चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और 4 किलोमीटर हमें कवर करने में 1 घंटा लगा है, 8:15 निकले थे, अभी 9:15 बज गए हैं। वो देखो भाई नीचे की तरफ आपको जो टेंट वगैरह दिख रहे हैं ना सामने, इस जगह में यहाँ से हम आए हैं, देख लो कितनी सी चढ़ाई थी, उसमें हमें 1 घंटा लगा है भाई। रोड ऐसे 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 पूरा घुमा के ना लेके आए, देखो ये रोड यूँ जा रहा है, फिर उसके बाद वहाँ से ऐसे गया है, तो बहुत लंबा आए हैं। जो आ गए सो तो आ गए, बट जो जाना है ना चैलेंज तो है वो, इस तरफ देखो ऊपर चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है क्या चढ़ना है आइडिया नहीं है, पर भाई 4 हो या 40 चलेंगे, साथ आप बनाए रखना, चैलेंज है कितने भी हार्ड हों हम पूरे करेंगे उनको। उड़ी बाबा, सामने देखो क्या चल रहा है भाई, कहाँ चढ़ना है देखो। वो उड़ी बाबा नहीं है, चढ़ी बाबा है, उधर तो हम बाबा और हम चढ़ी हैं बाबा। उड़ी बाबा नहीं, चढ़ी बाबा,
इतनी खतरनाक क्यों बनाते हैं भाई? बी आर ओ प्लीज लंबे रूट ले लो, ऊपर से ले लो, बट लंबे ले लो ना। यहाँ तो उड़ी बाबा चढ़ी बाबा हो जाता हमारा भाई। जो जिग जैक आपको नीचे से दिखाए थे ना, देख लो भाई, उन पर चढ़ चुके हैं हम। और कितने खतरनाक जिग जैक थे यार ये। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी चढ़ने हैं। ये पूरा चढ़ने में ना हमें लगभग लगभग एक घंटा लग गया है। ये एक घंटा पूरा लग गया भाई इसमें। और फिर भी भाई जो रिजल्ट, जो मेहनत, इस मेहनत का रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, इनफ है क्या बताओ। सपोर्ट चाहिए भाई आप सभी का, सपोर्ट के बिना मुश्किल है ना आगे बढ़ पाना। इस मेहनत का भाई आप ही फल दे सकते हो, मैं आप ही हमें रिजल्ट दे सकते हो। थक गए हैं, हालत अभी तक में पूरी ख़राब हो गई है। थकते थकते भी चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। बाकी तो देख लो, सकल के 12 बजे में आपको दिखाई दे ही रहे हैं, यही हाल है। बढ़ते हैं फिर से आगे। और इधर में कुछ भाई लोग हैं नीचे, देखो दिख रहे हैं आपको, वो जो गाड़ी में है ना, वो राजस्थान से है भाई, जयपुर से। उनके व्हाइट पट्टी लगाने का काम होता है, सड़क के साइड में व्हाइट पट्टी लगती है ना, वो मेहनत तो यार बहुत तगड़ी कर रहे हैं, पूरा मशीन को ना खींच रहे हैं। अपने अपने तरीके से सब मेहनत करते हैं, किसी को फल मिलता है, किसी को फल नहीं मिलता। ओ भाई, पहले जिग जैग को चढ़ के ना खुश हुए थे, दूसरे जिग जैग देखो सामने। अब तो भाई खतरनाक ही हो गया सीन, पैदल चलना पड़ेगा चाहे वजन कितना ही कम किया हो। है बाबा, लोग इस मेहनत को कहते हैं कि साइकिल गाड़ी में लेके जाना। हाँ, लोग ये कहते हैं गाड़ी में लेके जाते हो, कमाल है भाई। मजबूरी होती है, साइकिल खराब हो जाए तब लेके जाना। भाई मजबूरी में देखो हम भी चढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जब तक हिम्मत है, साइकिल ठीक है, हम ठीक हैं, तब तक ऐसे चढ़ेंगे। सामने जिग जैग देख लो, परीक्षा एक और हमारी सामने खड़ी है, आज के दिन की दूसरी परीक्षा। किस्मत इतनी ख़राब, साइकिल भाई को पकड़ा के मैंने टॉफ़ी निकाली और वो भी गिर गई। हाथ तो आया बट मुंह नहीं लगा। काहे रे बाबा, काहे किस्मत हमारी लिखती तुम, हैं? मैं इस टॉफ़ी को छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा रे। चल छोड़ यार, दूसरी देखते हैं। बाबा है क्या? अरे नहीं निकल रही यार, इतनी मुश्किल से निकाली मैंने। गई गई। भाई सामने चढ़ाई देख रहे हो, पहला पहाड़ फिर वो दूसरा पहाड़। देखो पिकअप है ना, शॉर्टकट लेके आ रही है। इस टाइम पे मेरा दिल ये कह रहा है कि ये लूप कितने गिन तो ले एक बार, बट दिमाग ये कह रहा है मत गिन बेटा, टूट जाएगा तू। इतनी चढ़ाई यार, सीरियसली फोर्टिला पास की चढ़ाई खतरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक होता है खतरनाक और एक होता है कि सोच से परे, यही चढ़ाई दे रखी यार, बहुत भयंकर। इसको देख के तो भाई सीरियसली घाटा लूप की याद आ गई है, ऐसे ही घाटा लूप में था भाई, खतरनाक चढ़ाई। और यहाँ पे कम से कम नहीं ना, नीचे वाली चढ़ाई तो बहुत खतरनाक थी, ये तो कम है। बी आर ओ ने यहाँ पे बहुत स्टीप वाली रोड बना रखी है। यहाँ से रह गया भाई फोर्टीले 42, हम आ गए 13 किलोमीटर हनले से। ये चढ़ते चढ़ते आए, देख लो भाई, दूसरा घाटा लूप है ये लद्दाख का, फोर्टीला। कोई ज़रूरी है भाई हम फोटो ले ही लें वहाँ आके, हैं? सेकंड घाटा लूप बना दिया यार आपने लद्दाख में, नहीं दैट्स नॉट गुड ब्रो। ओके ब्रो, जैसा आप कहोगे वैसे करेंगे, ब्रो जो कहेगा वो तो हम मानना ही पड़ेगा भाई। भाई कभी कभी है ना हम पदयात्रा भी करते हैं, ये पदयात्रा चल रही है भी हमारी, साइकिल यात्रा रुक चुकी है फिलहाल। सामने के लूप गिने भी मैंने, मैंने दिल की मान ली, कोई बात नहीं, उनका मान लेते हैं 15 लूप है भाई ये वाले। और इसमें मुश्किल से किलोमीटर कवर होंगे ना तो 5 लास्ट, हाँ 5 तो 6 या 7, फिर भी हमारे लिए आधा आधा बच जाएगा। अभी 14 के आसपास आ गए हैं, सामने 14 का बोर्ड है। वो तो कहते हैं ना, जिंदगी के हर मोड़ पे एक नया चैलेंज है, हमें तो भयंकर चैलेंज मिल रहे हैं आज, हैं भयंकर अटूट रिश्ते वाले चैलेंज हैं। कोई नहीं भाई, करेंगे। तो वैसे ये सांप सीढ़ी है ना, हम चढ़ के आए हैं, लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं और हम सांप सीढ़ी में चढ़ते हैं। देख लो क्या यार भयंकर दिख रहा है ना, इसमें चढ़ते चढ़ते हमें 4 घंटे तो लग गया लगभग, 16 किलोमीटर 4 घंटे में। और सामने ना इस सांप सीढ़ी को देख के तसल्ली दे दो, उसको देख के ना सामने, वो देखो
एक और नए पहाड़ पे चढ़ना है, सामने वाले पहाड़ पे। क्या रे बाबा, कितना चढ़ाओगे? कितना कितना? बहुत ज़्यादा भाई। आज तो ऐसा लग रहा है बस हो गया, 16 चल दिए, 12 हो रह गया ना। हाँ वो देखो सामने ऊपर जो पहाड़ है ना, उनकी चोटियाँ देखो, देखो कोई नहीं देख पाता, वो हवाई जैसे दिखती है, और हम देख लो साइकिल से ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, है ना। ब्रेड खाएंगे भाई, एक्सपायरी हुआ हुआ ब्रेड, क्योंकि 25 तक का था, अब 26 होगी। एक दिन तो चलता है, ठंड में कुछ ख़राब नहीं होता। चेतक को रेस्ट दिया है और अपने पैरों को रेस्ट दिया भाई, पैदल चलना पड़ रहा है ना, तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, ताज़ा बर्फ गिरी हुई है यार उस पहाड़ पे, देखना है ना, भयंकर यार। कहाँ आ लिया हम, 17-18 हज़ार फीट है ना। ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो उमलिंगला भी करना है, और लोग ये कहते हैं क्या ठीक है, लोगों का काम है कहना, हमारे काम है सुनना और हमारे काम है मेहनत करना। चलो भाई कुछ खा के एनर्जी रिन्यू कर लिया, अब चढ़ाई दिख तो रही है, डरा तो रही है, बट उस डर को थोड़ा फेस कर पाएंगे। बड़े भाई चलो जी, क्या कह रहा है, और कोई चारा है? कोई चारा ही तो नहीं है भाई, बढ़ने के अलावा आगे बढ़ते हैं, पानी वानी पी के निकलते हैं फिर। 40 ले बच गया भाई यहाँ से, 38, और हम आ गए हैं 17 किलोमीटर हानले से। और भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, दूर पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ यार, स्नो कैप माउंटेन जो दिख रहे हैं, क्या लग रहे हैं भाई, खतरनाक यार। कितनी दूर का पता, आइडिया भी नहीं लगा सकते हम कि कितनी दूर। जैसे जैसे लूप चढ़ते जा रहे हैं ना, जो चढ़ाई है ना, ऐसे लग रहा है 90 डिग्री होते जा रही है भाई। ये देखो सामने एकदम ऐसा लग रहा है सीधा स्ट्रेट चढ़ना है, जो दूर से दिख रही थी ना, लगभग उसके पास पहुंच गए। बट इसके बाद एक पहाड़ हो रहा है जो भी दिखना बंद हो गया, कुछ देर पहले दिखा था। डर जाते हैं भाई जब 90 डिग्री चढ़ाई दिखती है ना। हाँ पैर भर गए भाई, पैर भाई इतने ज़्यादा दर्द होने लग गया ना, जवा दे दिया पैरों ने, नहीं हो पाएगा, वेट करेंगे, क्या करें, चलेंगे भाई। यहाँ पे बीआरओ ने भाई रोड बहुत स्टीप बना रखी, बहुत ज़्यादा स्टीप। ये जो पास है ना, और पासों से इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो गाइस यहाँ से पास रह गया है रोटीला पास 8 किलोमीटर, और लास्ट हमने 8 किलोमीटर पहले रुक गए हैं। टाइम हो गया लगभग लगभग 3 बजे के आसपास का भाई। अब पैरों में ना जान नहीं बची है कि हम चल पाएँ, इसके लिए हमने ये डिसीजन लिया कि आज पास से 8 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे और कल जाएंगे भाई। पैर इतने ज़्यादा दर्द होने लग गया ना, इतने ज़्यादा, मतलब चला जा रहा भाई, पैदल चलना पड़ रहा है ना, तो उसमें 100 मीटर में हमें 4 बार रुकना पड़ रहा है, इतना चला जा रहा है, देख लो पूरा हाल हो गया। तो लास्ट डिसीजन ये लिया हमने। अभी देखो ये पूरा खड़ा चढ़ाई है यार, देखो कैसे चढ़ के आ रहे हैं, पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। इसके लिए हमने सोच लिया आगे नहीं जाएंगे, और उस तरफ भाई को ऊपर की तरफ भेजा है, वहाँ से भाई कहीं से बोतल का जुगाड़ करेगा, क्योंकि पानी की व्यवस्था है भाई यहाँ पे। पूरे रास्ते है ना हमें पानी नहीं मिला, और ये लगा लो गाड़ियाँ तो आपको एक दो व्हीकल मिले हैं, बाइक वाले 2-4 मिल जाएंगे, और गाड़ी वाले हमें एक दो ही मिले हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर कोई आ नहीं रहा। तो यहाँ से हम पानी का जुगाड़ कर रहे हैं, पानी तो नहीं है यार, ये तो बर्फ़ ही लग रही है मेरे को, ये तो पूरी बर्फ़ है यार। ये देखो टेम्परेचर यहाँ का भी अभी इस टाइम पे माइनस में है, तो रात में तो हमारा हाल तो ख़राब होगा, बट रुकेंगे भाई, आगे नहीं जाएंगे, पूरा बर्फ है देखो वहाँ भी, उस तरफ भी। तो भाई देखते हैं कैसे होता है पानी का जुगाड़, और रात स्टे करते हैं छोड़ो, कल फ्रेश जाएंगे। हालत ख़राब हो गई आज, बोतल लाया भाई? भाई बोतल ढूंढ के लाया, यहाँ बोतल लगाएंगे जिससे कि पानी निकाल, मतलब जो आएगा ना सीधा डायरेक्ट बोतल में भर पाएंगे। पानी का तो जुगाड़ कर लिया भाई, बोतल है ना हाथ से काट के यहाँ लगा दी, और अभी इसमें पानी भरना पड़ेगा ना, ऐसे भरेंगे बाबा है ना, वो भर के फिर इसमें डालता रहे, मैं तेरा एक दो बोतल और देख लूँगा आगे तक, वो भी तो ठीक है, तेरी वाली भरता हूँ फिर एक दो बोतल। तो भाई पानी वानी भर लिया, और टेंट भी हमने लगा लिया है, टेंट लगाया है कहाँ पे आप जगह देखोगे ना, वैसे तो रिस्की है पर सेफ है थोड़ी बहुत ना, रिस्की के साथ साथ सेफ भी है, और
जुगाड़ क्या किया यार हमने, आप देखोगे ना सोचते रह जाओ क्या जुगाड़ किया है। तो ये हमारा जुगाड़ है देख लो, हवा से बचने के लिए हमने अपनी दोनों साइकिलें ना यहाँ पे लगाई, और टेंट है ना जो रोड के नीचे से जो पानी पास होता है ना, जैसे ऊपर बर्फ़ गिरती है ग्लेशियर होता है ना, तो उसका जो पानी आता है रोड के नीचे से क्रॉस होता है। अभी ऊपर में ग्लेशियर है नहीं, पानी आ नहीं रहा, तो हमने देखा कि जगह यार ये बेस्ट रहेगी, तो यहाँ पे अंदर की साइड हमने टेंट लगा लिया। वो देखो सामने सारा सामान खोल दिया है और साइकिलों का जुगाड़ किया है यहाँ पे, साइकिलों में पन्नी वन्नी लगा दी क्योंकि हवा चल रही है ना, हवा आएगी ठंड एक्सट्रीम वाली लगेगी, आज एडवेंचर होने वाला है भाई हमारा। तो यहाँ पे पत्थर उत्थर लगाए जा रहे हैं अभी भी, और लगाऊंगा भाई साइकिल क्योंकि गिर सकती है इस तरफ हवा से ना। तो ये हमारा आज का जुगाड़ है रोड साइड एकदम, और कितने हजार फीट पे हो रहा है भाई ये भी सोच लो आप, यहाँ की भाई हाइट जान के ना आप हैरान रह जाओगे, 17,000 फीट की हाइट पर हम कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब 0% यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर भी सांस लेने में ना तकलीफ हो रही है, बट कैंपिंग कर डाली आज का स्टे हमने यहाँ पे कर डाला। रिस्क टेकर SPTN ट्रैवल विदाउट पैसा, क्या बात है क्या बात क्या बात क्या बात। चलो अभी चलते हैं अंदर, चाय बनाएंगे बाबा, इस ठंडे मौसम में चाय तो बनती है, चाय पियेंगे भाई अभी। तो गाइज लग चुका है टेंट, और टेंट के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया चाय बनाने का प्रोसेस। पत्ती डल चुकी है, चीनी डाल दी, नहीं चीनी अभी डलेगी। और भाई किस जगह पे कर रहे हैं यार, हैं भाई कहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब सोच से परे उस जगह पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब कभी सोची नहीं थी ऐसी ऐसी जगहों पर हम ना कैंपिंग करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों पर रुकना पड़ेगा हमें। तो लद्दाख अब की बार एक्सट्रीम वाला तो हो रहा है भाई सच्ची में। चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे, अपने पास सारा सामान रखा हुआ है 2-3 दिन का ना, तो कोई टेंशन आने वाली है नहीं। दूध रखा है, बिस्किट रखे हैं, खाने के लिए नमकीन है, मैगी है, पानी तो मिल ही जाता है, नहीं मिलता है तो हम जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ी आदमी है। दूध डाल भाई, अभी डलेगा भाई चाय पत्ती में दूध, चाय बनेगी और पियेंगे। तो दोपहर के टाइम में चाय का काम हो गया, रात में मैगी बना लेंगे, यही सीन है। बस हमारे पास एक दिक्कत हो सकती है बैटरी वगैरह चार्ज करने की, बाकी सब बढ़िया है। क्या बात, सुगंध आने लग गई भाई, हैं खुशबू आ रही है। अरे या ओहो देख तू बावड़ा बोलिया। लो जी बन गई गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ में है बिस्किट। गुड डे, डे हमारा चाहिए बेकार हो तो बिस्किट खाएंगे, गुड डे। तू क्या कर रहा है इसमें डाल रहा है, अच्छा कितना भी बैड डे हो चाय मिल जाए तो अच्छा हो जाता है। कोई है करे भाई साहब, सुन रहे हो? अरे कोई नमकीन बिस्कुट ले रहा तो दे दो भाई, हम अकेले फंस रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं हम लोगों की कुछ नहीं हो रखा, हमारे दिल से पूछो। पार्टी बढ़िया दरवाजा हो रखी है, हमारे दिल से पूछो कैसे कैसे धक धक हो रही, पैर सुन हो रहे हैं अंदर बैठे बैठे, खतरनाक जुराब हो रखी है, गिल्ली पसीने से गिल्ली हो रखी है जुराब, ठंड लग रही है, ठंड में पता नहीं क्या क्या लग रही है। चाय गर्म मिर्गी। तो भाई शाम के टाइम हो गया 6 बजे के आसपास, अभी चालू कर दिया हमने मैगी बनाना, मैगी बन रही है, ओहो भाप आ जा रही है इस पे ना, बाहर है ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हुआ है अभी, इतना तो नहीं होएगा 7-7:30 बजे तक, तो बाहर भी चलेंगे। कैमरे पर आ रही है बार बार भाई भाप है ना। हाँ मैगी में भाई हमने स्पेशल स्पेशल जगह पे फंसे हैं ना, तो स्पेशल काम किया है मैगी में, पता क्या किया दिखाइए, वो जो गिरे है चीज़, चीज़ गिरी है भाई मैगी में, तो मस्त बनेगी एकदम, घी का भी स्वाद आऊगा। बाकी तो ठंड लगने लगी थी तो हमने स्लीपिंग बैग वगैरह कंबल वगैरह खोल लिए, ये दिया स्लीपिंग बैग भाई का भी खोल लिया, ठंड बढ़ी है ना बाबा भाई, हैं दोपहर में तो, दोपहर में तो ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है, अभी तो अच्छी वाली पड़ गई, बना बना भूख लग रही है, ठंड में भूख ज़्यादा लगती है मेरे को, सबको लगती है मेरे को, मैगी बनती है मैगी खाते हैं, फिर रात में देखते हैं यहाँ से क्या कुछ दिखता, अगर दिखेगा तो बाहर जाएंगे ना तो ठंड में सो जाएंगे। तो भाई बन चुकी है मैगी, बन क्या चुकी है, मैं तो एक प्लेट खा भी चुका हूँ, दूसरी प्लेट में भुजिया डाल के नमकीन आहा, और भाई अपनी बना रहा है, और इस एल्टीट्यूड पे लेस फैसिलिटी के साथ बैठ के भी है ना हम आराम से भाई मैगी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, कमाल ही है ना, कमाल का बवाल है वैसे तो है बाबा, क्या होगा रात में क्या नहीं होगा कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट एंजॉय कर रहे हैं, सही है ये भी अच्छा है। नहीं क्या मैगी में आज टेस्ट आया भाई सही में, चीज़ गिर ली ना मज़ा ही आ गया। बाबा बाहर जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्यों
इसलिए बात होगी। भीतर ठीक है अपना, ठंड बहुत है, एक बार घुस गया तो घुस गया। ठंड बहुत है भाई, तो कह रहे मैं तो नहीं जाऊँगा, कोई नहीं मैगी इंजॉय करते हैं मस्त वाली, बाबा बनाता है बाबा भी खाएगा, देखेंगे भाई। ठंड लग रही है बहुत तेज, नीचे ना पिछवाड़ा जम गया पूरा। तो भाई बाहर तो हो गया पूरा अंधेरा, साइकिलें चमक रही हमारी यहाँ से देख रहे हो, और झंडा यार बाहर रह गया, कोई बात नहीं, सोने की तैयारी है भाई, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है मेरी तो 1% भी, क्योंकि फट रही है रे बाबा, फट रही है हमारी तो बहुत ही ज़्यादा। क्या अंधेरा यार, क्या गुफा के अंदर सो रहे हम। बाबा देख तो भाई। देख के डर लग रहा है, बाहर का तो सो जाओ। तो गाइस बाहर का सीन तो आपने देख ही लिया कैसा हो रखा है, और बाबा जी तो अपने गए हैं सो, हम बचे हैं भाई। हमने कहा थोड़ा सा देखते हैं, बाहर जाने की हिम्मत करते हैं, बट हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यार। अभी तो देखो इस वीडियो को करते थे एंड, सुबह अगर बचते हैं जिंदा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट का ये वीडियो भी तभी आएगा। तो ठीक है जी, करते हैं वीडियो को एंड। तो गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो हमसे ये सब कुछ झेल चुके होंगे। तो ठीक है, बाद की दुआ भी कबूल होती है, बाद की दुआ करना कि आगे कभी ऐसी ठंड ना लगे। बहुत तगड़ी ठंड है, सिकुड़े पड़े हैं, चार चार लेयर पहनी है फिर भी ठंड लग रही है, और स्लीपिंग बैग कंबल तब भी ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, आज आज फोटिला के नाम, बाय बाय। तेरा पहुंच गया परशा तो वर्षा दे हिसाब दे बेर का सा तेरिया।